अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम मोहम्मद अकमल नदीम है। आज मैं आपको एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जो मुल्क के हालात हैं और बहरिया की मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब मुतासर हुई है इस वजह से कि बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी या आज से 6 माह पहले या 1 साल पहले की बात कर लें, जिन लोगों ने जो प्लॉट बाय किए थे, तो आज उन्हीं प्लॉट्स की कीमत 50% माइनस हो गई है। लेकिन एक छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जबकि मार्केट ऑलरेडी बहुत मतलब हाई होती है, और लोग समझते हैं कि मार्केट अप जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हम इस टाइम अपने प्रॉपर्टी या अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और मज़ीद आफ्टर फ्यू मंथ कुछ माह बाद या 1 साल। सबसे पहले कि प्रॉपर्टी जब भी हम कहीं भी किसी भी जगह पे बाय करते हैं तो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी में अच्छा अर्न हासिल करने के लिए हमारी होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें इसमें गेन मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि जिन लोगों ने मार्केट अप होने जिस दौरान मार्केट बहुत ज़्यादा हाई थी, अप थी और सेलिंग बाइंग बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी, तो लोगों ने उस टाइम जो ख़रीदने वाला था वो मिडिल क्लास इन्वेस्टर था और जो बेचने वाला था वो मैच्योर इन्वेस्टर और जो मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन जो कि बहरिया की मार्केट से या कहीं भी किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी से अच्छा खासा अर्न करता है, और हम देखते हैं कि वो कहीं एक शॉप से दो शॉप, 200 से 3 और इसी तरह एग्जांपल देते हैं प्लॉट्स की। पहले हमने देखा कि इसी बंदे के पास एक प्लॉट था और कुछ साल बाद हम उसे मिले हैं तो उसने बताया जी कि मेरे पास तो 3 प्लॉट इस जगह पे हैं, 2 इस जगह पे और 1 इस जगह पे, व्हाटएवर। लेकिन ये लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे मार्केट अब भी डाउन चल रही है तो वो इन्वेस्टर जो मैच्योर इन्वेस्टर था, हम जिसे बहुत ही मजबूत और अथेंटिक देखते हैं कि यार इस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, ये किया है, वो किया है, तो वो ये टाइम है कि इस टाइम एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर जो सोचता है कि यार मैं अर्न करूँ लेकिन बाद में वो खसारे में चला जाता है, ये बेस्ट टाइम है क्योंकि मार्केट डाउन है। और जो प्लॉट हमें आज से 1 साल या 6 माह पहले जिस प्राइस में मिलता है, आज वही प्लॉट हमें उस प्राइस से मतलब 50% माइनस में मिल रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम अभी अपना मतलब फ़ैसला करें कि हम बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत ही गोल्डन चांस है हमारे लिए कि इस टाइम हम बहरिया टाउन कराची के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें और आने वाले कुछ सालों बाद या 1 साल बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि बहरिया के अंदर या बहरिया कह लें या कोई भी प्रीसेंट या सॉरी किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको उसमें अच्छा अर्न मिले और आप सेटिस्फाई होए कि जी मैंने कुछ साल पहले यहाँ प्रॉपर्टी ली थी और आज मुझे यहाँ से इतना अर्न हुआ है और मैं मतलब खुश हूँ। और अक्सर ज़्यादातर लोग मायूस होते हैं, वजह ये कि वो सही टाइम पर सही वक्त पर फ़ैसला नहीं करते। तो मेरा ये आपको यही मशवरा है कि सही टाइम पर सही फ़ैसला बदल सकता है आपकी ज़िंदगी। अभी फ़ोन उठाएं और दिए गए नंबर पर रابطہ करें। अल्लाह हाफिज़।